Hello everyone, welcome back to another vlog. Hope you all are doing great. First of all, I want to wish you all happy and safe Diwali. Hope करते आप सब बढ़िया हो. आज फिर से मैं Apache 160 4V पे मोटो व्लॉग बना रहा हूँ. पेट्रोल के प्राइसेस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं. अभी पेट्रोल के जो करंट खेड़ में प्राइस है वो करीब 120 रुपीज़ पर लीटर के आसपास है. आई डोंट नो अभी और कितनी भी प्राइसेस पेट्रोल में बढ़ोतरी होने वाली है, लेकिन दिवाली के टाइम पे अभी करीब 120 के आसपास पेट्रोल का जो रेट है वो पहुँच चुका है. बहुत से लोगों का ऐसा कहना है कि जो पेट्रोल की प्राइसेस है वो करीबन 150 के आसपास तक बढ़ने वाली है, जो कि बहुत ही ज़्यादा होगी. और पेट्रोल की प्राइसेस जैसे बढ़ रही है उसकी वजह से जो अदर थिंग्स है, जो बाकी की जो चीज़ें हैं उनकी भी प्राइसेस अभी बढ़ने लगी है, क्योंकि पेट्रोल जो है वो मेन सोर्स है ट्रांसपोर्टेशन के लिए. सो पेट्रोल और डीजल के जब जब प्राइसेस में बढ़ोतरी होगी तब तब बाकी जो चीज़ें उन सभी के भी प्राइसेस बढ़ने वाले हैं. होप करते हैं कि इन फ्यूचर पेट्रोल की प्राइसेस थोड़ी कम हो जाए, देखते हैं. अभी Apache 164V का जो हेडलाइट का जो फोकस है वो उतना प्रॉपर नहीं है. इसमें जो LED लाइट है उसमें जो पावर है वो प्रॉपर नहीं है. माइलेज की अगर बात करें तो Apache 164V का जो सिटी में माइलेज है वो करीबन 40-42 किलोमीटर के आसपास है, जो पर लीटर है 40-42 किलोमीटर तक चल जाती है आराम से. और हाईवे में 50 के आसपास ईजीली इसका माइलेज हम निकाल सकते हैं. बाकी ओवरऑल गाड़ी परफॉर्मेंस और कंफर्ट के हिसाब से बहुत ही अच्छी है. सो बाकी गाड़ी के बारे में ज़्यादा कुछ बोलने के लिए तो नहीं है. होप करते हैं कि आपको आज का जो वीडियो है वो अच्छा लगा हो. सो दैट्स इट फॉर दी टुडेज़ ब्लॉग. होप करते कि आपने वीडियो को एंजॉय किया हो. अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और स्टिल मोस्ट ऑफ द ऑडियंस ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है. सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप मोटिवेटिंग, कीप सपोर्टिंग. सो मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में. तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय.